है, कहाँ गए हम है। तो गाइस हम तो यहाँ आ चुके हैं, यहाँ चल रही है सफाई। ये है किचन। हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। सभी लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम, पहले नमस्कार और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं कब्बू अधिकारी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करी मॉर्निंग टाइम से। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 10, तो हमारा काम तो कम्प्लीट हो चुका है, बस कपड़े डालने हैं इसमें। अभी थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि हम अभी जा रहे हैं। तो कपड़े ये रहे बाल्टी में, ड्राई कर रखे हैं मैंने, अभी थोड़ी देर में डाल के आऊँगी। मौसम हो रखा है बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हो रखा है मौसम। तो हम कहाँ जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ एक कट्टा उठा के, कहीं जा रही हूँ मैं, इतना भारी कट्टा है, इसको उठा के जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हूँ आपको दिखाऊँगी वीडियो में। मेरी देवरानी चलेगी और विपिन को हमने सुला रखा है। तो गाइज आशू भी घर पर ही है आज, तो मैं जा रही हूँ इसको लेके, ये इसको लेके कहाँ जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ वीडियो में। और विपिन को हम सुला के गए हैं अंदर, आशू और दीक्षा चले गए हैं, तो दोनों उधर से मेरा वेट कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं दोनों। हैं कहाँ गए हम हैं। तो गाइस हम तो यहाँ आ चुके हैं, यहाँ चल रही है सफाई। ये है किचन, सीमा कर रही है, सीमा मार रही झाड़ू, मैं बना रही वीडियो। तो मैं ना इस रूम की पूरी सफाई करनी है और यहाँ उसके बाद क्या करने वाले हैं बाद में बताऊंगी मैं आपको। वीडियो बने रहे, दिखाते हैं हम आगे क्या करते हैं। अभी तो बहुत गंदा हो रखा है। मैं तो आ चुकी हूँ घर पे और सीमा लोग अभी वहीं हैं और दीक्षा भी वहीं है। मैं इसलिए आ गई, काव्या को स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया इसलिए मैं आ गई हूँ, 12 बज गए हैं। और बीबीन अभी भी सोया है अंदर, वो अभी सफाई कर रही है सीमा, बस थोड़ी बहुत रही है। अब मैं तो थक चुकी हूँ, मेरे इनमें दर्द होगी, पाँव में इनमें, मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, थक जाती हूँ मैं। यार स्कूल अपनी गुड़िया को लेने उसका टाइम हो गया, फिर वहाँ से आके फिर वो भी आ जाएगी क्योंकि उसको सुला के गए हैं। और मुझे तो थोड़ा रिस्क जैसा लग रहा है इसको छोड़ के जाने में, बट इसकी मम्मी कह रही है सोता है थोड़ा और सोएगा करके। मुझे थोड़ा मतलब लग रहा है कि कहीं उठ गया तो ज़्यादा रोने लग गया, तो थोड़ी मतलब घबराहट जैसी हो रही है। मैंने कहा तो थोड़ा काम करके आ जाना करके, अब पता नहीं क्या करती है। तो गाइस मैं तो जाने लग गई हूँ और साथ में वाइफर भी ले जा रही हूँ आज स्कूल को। वाइफर वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ सीमा है रूम पे, वो कहती है वाइफर ले आना करके, वहाँ ले जा रही वाइफर। और गेट करते हैं लॉक और फिर है? आपने ही तो बोला था क्योंकि गंदा लाइट आप बाहर से आ रहे बात अभी लग रही है ये। अच्छा आप बाहर से आ रहे हो ना। सो गाइस विपिन तो अभी भी नहीं उठा है, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अब बनाते हैं खाना। अभी पहले कपड़े डालते हैं, अभी कपड़े भी नहीं डाले मैंने, पहले डालती हूँ कपड़े उसके बाद फटाफट खाना बनाती हूँ। खाने में तो आज कुछ शॉर्ट ही बनाऊंगी, मैं तो थक चुकी हूँ आज, पहले मैं डाल के आती हूँ कपड़े। बाबू आप चेंज कर लेना। हाँ सो गाइस हमारा खाना बन चुका है, खाने बना रखी है मैंने खिचड़ी, ये रही मेरी खिचड़ी, बच्चों ने खा लिया, अब हम दोनों खा रहे हैं बस।
और बना के भांग की चटनी इसके साथ, टेस्टी टेस्टी अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ भांग की चटनी। इधर आप भी नीचे आ, ये है इसकी थाली। अब मेरी थाली हो गई है, अब डालती हूँ अपने लिए। डाल दिया अपने लिए, इसमें डाल दी चटनी। हाँ घी डालना भूल गई इसके में, इसमें है कि मैंने दिखाया था आपको, इतना खा लिया हमने, इतना रह गया। अपने में भी डालती हूँ और इसके में भी डालती हूँ। तो खाते हैं खाना फटाफट, बच्चे मचा रहे शोर बाहर, ये फ्रंट में खेल रहे बच्चे चारों के चारों। ये इसकी चाची भी जा रही है उसके साथ। वहाँ पे विपिन अपनी तैयारी कर रहा है। सो गाइस मैंने जा रही इतना बड़ा बैग, इसको मैं ले जाती हूँ। ये लोग चले गए और वो दोनों सोए हैं अभी, छोटे छोटे मगर वो लोग चले गए दोनों, चाची भतीजे उधर चले गए और मेरा ये है, मैं भी चलती हूँ उनके साथ। सो गाइस चलते हैं अपने मिशन की ओर बैग के साथ। उसमें तो हमारी क्लास में एक ने भी नहीं पार्टिसिपेट किया। क्या अब तो मेरी बेटी मेरे बराबर होगी। तो गाइस हम एक बार पहुंचा के आ चुके हैं और दूसरी बार पहुंचा के आ रहे हैं, दूसरे राउंड पे जाने के लिए रेडी हो रखे हैं। वहाँ चले जाओ, ये छोटा चुचंदर तो ऐसे शैतानी कर रहा है। आप क्या ले जा रहे हो आप? ये काव्य फिर तैयार होगी। गुड, बड़ी